वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेल रही टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के शतक और युजवेंद्र चहल के 4 विकेटों की मदद से दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। वर्ल्ड कप में जहां दक्षिण अफ्रीका टीम को लगातार तीसरी हार मिली, वहीं भारत ने जीत के साथ अपना खाता खोला है। रोहित को उनकी नाबाद शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि रोहित शर्मा जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, कल उन्होंने उससे अलग रवैया अपनाते हुए धीमा खेल खेला। अपनी इस शतकीय पारी में उन्होंने 144 गेंदों में 122 रनों की नाबाद पारी खेली। इतिहास गवाह है कि रोहित शर्मा ने 150 के करीब गेंदे खेलकर वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उन्होंने अपना पहला दोहरा शतक जड़ते हुए 209 रन बनाए थे, तब उन्होंने 156 गेंदों पर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की थी। फिर श्रीलंका के खिलाफ जब उन्होंने अपना दूसरा दोहरा शतक जड़ते हुए रिकॉर्ड 264 रनों की पारी खेली थी, तब उन्होंने 151 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया था। और अपने तीसरे दोहरे शतक के लिए भी उन्होंने ज्यादा गेंदें जाया नहीं की, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही नाबाद 208 रनों की शानदार पारी खेलकर एक और दोहरा शतक जड़ा था, तब भी उन्होंने 151 गेंदों में अपनी डबल सेंचुरी पूरी की थी। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 144 गेंदों पर नाबाद 122 रन जड़कर टीम इंडिया को जीत दिलाने के बाद रोहित शर्मा ने खुद बताया कि उन्होंने धीमी पारी क्यों खेली। रोहित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे मैच में गेंदबाजों को पिच से कुछ मदद मिल रही थी, इसलिए मैंने संभल कर बल्लेबाजी की। मैंने अपने शॉट्स खेलने में समय लिया और मैं जिन शॉट्स को खेलना पसंद करता हूं, उन्हें मैं नहीं खेला। ये मेरी आम पारियों जैसी नहीं थी, लेकिन मैं आखिर तक टिके रहकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता था। उन्होंने कहा कि इस टीम में सभी बल्लेबाजों की अपनी एक अलग भूमिका है। हम एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकते, ये हमारी इस टीम की खास बात है। खैर, रोहित शर्मा धीमा खेले या फिर तेज, जब तक वो मैदान में बल्लेबाजी करते हैं तब तक टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित रहती है, और ऐसा कल उन्होंने करके भी दिखाया। हिटमैन ने इस बार वर्ल्ड कप की शुरुआत शानदार शतक से की है। वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके रोहित शर्मा के फैंस को वर्ल्ड कप में भी उनसे एक डबल सेंचुरी की उम्मीद है। देखते हैं कि हमारे चैनल पर रोहित शर्मा के ऐसे कितने फैंस मौजूद हैं जिन्हें ये लगता है कि रोहित इस वर्ल्ड कप में दोहरा शतक जड़ सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।